अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। हनुमान जी महाराज उन जीवित अवतारों में हैं जो आज भी कलयुग में इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जो अमर हुए हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के इतिहास के हिसाब से उसमें एक हनुमान जी हैं। रोग नाश, काला जादू का विनाश हो या फिर भूत प्रेत की बाधा दूर करना हो, सब में हनुमान जी का मंत्र काफ़ी प्रयोग आता है। जिनको तंत्र मंत्र यंत्र कुछ नहीं आता, वो भी हनुमान जी का चालीसा या बाण ये प्रयोग करके खुद को सुरक्षित रखते हैं। आज का वीडियो रोग मुक्ति के लिए है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी का रोग मुक्ति का बड़ा स्पेसिफिक साधना आता है। तो आपको किस तरीके का रोग है, उस रोग के हिसाब से अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग विधान हैं। लेकिन तीन जनरलाइज्ड विधान मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आम व्यक्ति भी इस विधान को करके, और अगर कोई अकस्मात रोग से ग्रसित हो जाए या रोग का कारण पता ना चले, ऐसी स्थिति में लोग इस तीनों में से किसी भी विधान का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग प्रोलॉन्ग इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, वो थोड़े लंबे समय तक इसका प्रयोग करते रहेंगे। और एक विषय है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग रोग के चपेट में आ जाते हैं, हर तरीके का उपाय करके देख लेते हैं, डॉक्टर सारे रिपोर्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद बोला जाता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। इस सिचुएशन में दो बातें होती हैं, एक तो ये कि आपका जो भी डॉक्टर है वो सक्षम नहीं है, या फिर जिस अस्पताल में आप जा रहे हैं वो सक्षम नहीं है उस बीमारी को जानने के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड या फिर एक्सटर्नल एनर्जी का इंटरफेरेंस होता है आपके बॉडी पे, या आपने कुछ ऐसा काम किया होता है कि आपने किसी शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया है जिसको आपकी आपका शरीर जो है वो पचा नहीं पा रहा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि साधना हमेशा क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए, तो शरीर तैयार होता है। तो साधना, पूजा पाठ या जैसे भी चीज़ें हैं उनसे भी कभी कभी ऐसे रोग लगते हैं। कभी कई बार सुरक्षित अगर आप नहीं हैं और ऐसे जगहों पर चले जाइए, तो भी इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं जो कि आपके ऑरा सर्कल में आ जाती हैं, और उसके बाद आप बहुत लंबे समय तक रोग से ग्रसित होते हैं, और ऐसा रोग जिसके बारे में डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पाएगा। तो आज मैं आपको तीन मंत्र बता रहा हूँ, तीन विधि बता रहा हूँ, जिसमें पहला जो विधि है ये एक सिद्ध मंत्र है। मैंने बताया कि साबर मंत्र में अगर ईश्वर उवाचा लग जाए तो मतलब ईश्वर के श्रीमुख से ये मंत्र आया है, तो उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार चल रहा हो, तो एक लोटा ले लीजिए तांबे का, और उसमें कुछ मुंजा डाल दीजिए, मुंजा के दाने होते हैं काले और लाल, उसको डाल करके ये अपने राइट हैंड में रख लीजिए, और 21 बार जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसको पढ़ेंगे। तो मंत्र क्या है, जय जय गुणवंती वीर हनुमान, रोग मिटे और खिले खिलाव कारज पूर्ण करे, पवन सूत जो ना करे तो माँ अंजनी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। फिर से सुनिए, मंत्र है जय जय गुणवंती वीर हनुमान, रोग मिटे और खिले खिलाव कारज पूर्ण करे, पवन सुत जो ना करे तो माँ अंजनी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो इसको हाथ में लेकर के 21 बार आप मंत्र पढ़ेंगे, और उस लोटे में मुंजा के दाने रहेंगे, उसके बाद इस पर तीन फूंक मारिएगा, और ये जल रोज जब तक रोग ना मिटे तब तक उस रोगी को पिलाएं, और ये जो मुंजा का दाना उसके बाद बच जाएगा, इसको घर के बाहर निकल के दक्षिण दिशा में रोज फेंकेंगे। तो ये हो गया पहला विधान जिससे कि रोग का नाश होता है। दूसरा जो है ये वो साधक के माध्यम से आपको करवाना पड़ेगा जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्म का आचरण करता हो या फिर ब्रह्म का आचरण करता आया हो, ठीक है। जो मैंने पहले भी बताया है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी अगर उस तरह के भी साधक हैं तो वो भी इस विधान को कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ऐसे जो सन्यासी हो उनसे ये विधान आप कराएं।
तो इस विधान को करते टाइम थोड़ा सा नींबू या फिर लौंग ले करके और झाड़ते हैं, और उसके बाद या फिर मिर्ची लेके झाड़ते हैं, और फिर उसको आग में जला दिया जाता है। इस विधान के लिए मंत्र है, पर्वत ऊपर पर्वत, पर्वत ऊपर स्फटिक शिला, स्फटिक शिला पर अंजनी, जिन जाया हनुमन, नेहला टेहला कांख की कखराई, पीछे की आड़ की, कान की कनफेट, राल की बद, कष्ट का कष्टमाला, घुटने का डहरू, डाल का डरसूल, पेट की ताप, तिल्ली किया, इतने को दूर करे, भस्मंत ना करे तो माता अंजनी का दूध पिए हराम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु जी का। ठीक है, फिर से सुनिए, पर्वत ऊपर पर्वत, पर्वत ऊपर स्फटिक शिला, स्फटिक शिला पर अंजनी, जिन जाया हनुमंत, नेहला टेहला कांख की कखराई, पीछे की आदटी, कान की कनफेट, राल की बद, कष्ट की कष्टमाला, घुटने की डहरू, डाल की डरसूल, पेट की ताप, तिल्ली किया, इतने को दूर करे, भस्मंत ना करे तो तुझे माता अंजनी का दूध पिए हराम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वचा, सत्य नाम आदेश गुरु जी को। तो बस इस मंत्र को पढ़ते हुए उस व्यक्ति को झाड़ना है जिस पर ऐसा लगता हो कि किसी बाहरी हवा का प्रवेश हो गया है, या फिर वो किस कारण से बीमार है ये पता ना चले। तीसरा मंत्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये मंत्र साधना है, क्योंकि एक बार आप जब इस साधना को कर लोगे तो इसको आप कई बार इसका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ये जो 21 दिन की साधना है, इस साधना में एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी प्रकार के साधना के समय में संयम रखने के विषय होते हैं वो सारे आपको पालन करने हैं। मतलब क्या क्या पालन करना होगा आपको, आपको भोजन पर संयम रखना होगा, एक समय खाना होगा, और वो भी शुद्ध शाकाहारी, नीचे सोना होगा, कोशिश ये कि जहाँ पर साधना कर रहे हैं वहीं नीचे सोएं। ठीक है, किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा आपको, वचन आपको कम से कम बोलने हैं। ठीक है, इस मंत्र को 21 दिन तक रोज एक माला करना है, और उसके बाद दशांश हवन करते रहना, मतलब 21 दिन एक माला जपा, फिर उसका दशांश हवन किया। ठीक है, एक बार ये मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो जो भी रोगी व्यक्ति है उसको अगर आप इस मंत्र को पढ़ते हुए और मोर पंख से झाड़ेंगे तो अगर उसमें जिस तरीके का भी एनर्जी होगा, जो भी भूत प्रेत अविचारिक होंगे, सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मंत्र को मैं आपको बताता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा, दो बार बताऊंगा। ओम नमो आदेश गुरु जी का, अहल बांधु जहल बांधु, अंबर तारा अस्सी, कोस की विद्या बांधु, बांधु नदी की धारा, बंधु तर्क शास्त्र का तीर, मस्तक बैठा हनुमंत वीर, वीर हनुमंत से क्या क्या चले, 64 चक्र चले, 64 चक्र से क्या क्या चले, भूत चले, प्रेत चले, राक्षस चले, ब्रह्म राक्षस चले, जुड़ैल चले, सोखा तोपका चले, पर्वत और धरनी चले, 64 योगिनी चले, ताप तजरी चले, नवनाड़ी बेहतर कोठा माही सो निकले, अमुक को आराम करे, यहाँ पे अमुक के जगह पर जो रोगी उनका नाम लेंगे, ना निकले तो राजा रामचंद्र की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरे मंत्र ईश्वर वाचा। एक बार फिर सुनिए, ओम नमो आदेश गुरु जी का, अहल बांधु जहल बांधु, अंबर तारा अस्सी, कोस की विद्या बांधु, बांधु नदी की धारा, बांधु तर्क शास्त्र का तीर, मस्तक बैठा हनुमंत वीर, वीर हनुमंत से क्या क्या चले, 64 चक्र चले, 64 चक्र से क्या क्या चले, भूत चले, प्रेत चले, राक्षस चले, ब्रह्म राक्षस चले, जुड़ैल चले, सोखा तोपका चले, पर्वत और धरनी चले, 64 योगनी चले, ताप तजरी चले, नवनाड़ी बहतर कोठा माही सो निकले, अमुक को आराम करे, ना निकले तो राजा रामचंद्र की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो इस मंत्र को आपको 21 दिन तक रोज एक एक माला करना है, और एक एक माला करते जाएंगे, और साथ में आप इसका दशांश हवन करेंगे।
ठीक है। और एक बार जब आपका 21 दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र से मोर पंख लेंगे और उस मोर पंख से जो भी रोगी व्यक्ति है उसको झाड़ेंगे। झाड़ने का मतलब तो समझते हैं, देखो झाड़ने का ना बहुत सारा सामग्री होता है, जैसे पहले सिर्फ मोर पंख होता था, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो भी झाड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, जो फिटकरी होती है, फिटकरी भी झाड़ने में बहुत काम आती है, ठीक है, भैरव दंड होते हैं वो भी झाड़ने के काम आते हैं। तो झाड़ने का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि जो इंसान का दिमाग होता है और ऑरा होता है वो शरीर के बाहर होता है, वो एक्सटर्नल मतलब वो फिजिकल बॉडी नहीं है हमारी। इस फिजिकल बॉडी में जब कोई एनर्जी प्रवेश कर जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत कम ऐसी शक्तियाँ हैं जो प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन ये जो आपका अनसीन बॉडी है, जो ऑरा बॉडी है, इसमें शक्तियाँ प्रवेश करके आपको बीमार या डिप्रेस करती हैं। तो इस तरह का मोर पंख हो या क्रिस्टल हो या फिर भैरव दंड हो या फिर फिटकरी हो, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि इनको इंग्लिश में कहते हैं एथर्नल स्वीप, मतलब ऐसा मतलब जो दिख नहीं रहा है उस शरीर का झाड़ू। तो जैसे आप शरीर के चारों तरफ से इसको झाड़ते हैं मंत्र पढ़ के, तो कोई भी एनर्जी जो आपकी नहीं है, मतलब जो या फिर जो रोगी है उसकी एनर्जी नहीं है, उस एनर्जी को ये झाड़ के साफ कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ आज का विषय। इसके अलावा पिछले महीने का जो शिविर था वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो इस महीने 22 या 23 तारीख को वो शिविर फिर से होगा, जिसको शिविर में आना है वो एनरोल कर सकता है। दीक्षा का जो कार्यक्रम होगा वो शिविर में ही होगा, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज शिविर में आके मिलता है वो कितना भी यूट्यूब पे मैं वीडियो बना लूँ उससे नहीं मिलता है, तो आप लोग शिविर में आएँ। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए पहले आवेदन दे रखा था, तो व्हाट्सएप ग्रुप कल से शुरू हो गया है, आप लोग इसमें जुड़िए, मुझे मैसेज कीजिए तो मैं आप लोगों को जोड़ लूँगा। जिनको अभी जुड़ना है 3-4-5 तारीख तक नए व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। 5 तारीख के बाद जो भी एप्लीकेशन भरेंगे वो अगले महीने के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे। जिनको मुझसे बात करनी है वो मेरे वेबसाइट www.agortantrahasya पर जा करके अपॉइंटमेंट सेक्शन है, उसमें अपॉइंटमेंट फॉर्म भरें और टाइम लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और उस पर आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फिर रुद्रनाथ सर्च कीजिए, rudranath@cm4, आप कॉल लगा करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हनुमंत वीर आप लोगों का आरोग्य रखें ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग।